फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करना। या आप देख रहे हैं मेरे पास नेशनल कंपनी का 1/5 का कंप्रेसर मौजूद है, तो मैं आपको इसे डायरेक्ट स्टार्ट करना सिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आपको इस 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, देखें 1, 2 और 3। गाइस, इसमें एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है। तो हमने इसको स्टार्ट करना है तो सिंपल हमने क्या करना है, एक वायर इसके कॉमन पे लगानी है और एक इसकी रनिंग पे। तो रनिंग और स्टार्टिंग हम आपस में शार्ट करेंगे तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं नेशनल कंपनी का जो पॉइंट है, इसका जो सबसे ऊपर वाला है वो कॉमन, जो लैदा पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। तो गाइस, इसका हमेशा जो चार्जिंग लाइन की तरफ होगा पॉइंट, वो इसका रनिंग पॉइंट होगा। तो गाइस, एक वायर हमने इसके कॉमन पॉइंट पर लगानी है तो दूसरी हमने इसके रनिंग पे, और इन दोनों को आपस में शार्ट करें तो हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। ये नेशनल कंपनी का कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं डेनोफास इससे उल्टा है, उससे पॉइंट जो है ये कॉमन नीचे होता है और रनिंग स्टार्टिंग भी एक दूसरे से तब्दील हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कॉमन ऊपर की साइड पे है। तो मैं आपको इसको चलाकर चेक करवा देता हूँ। तो गाइस, आपने सिंपल से एक वायर लेनी है जिसके आगे 2 थिम्बल लगे हों। तो गाइस, आप देख सकते हैं एक थिम्बल को मैं कॉमन पर लगा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कंप्रेसर के कॉमन पर इसको अटैच कर दिया है और दूसरी मैं लगाऊंगा रनिंग पे। एक थिम्बल मैंने कॉमन पे लगा दिया, एक मैंने लगा दिया रनिंग में। रनिंग और स्टार्टिंग में मैं आपस में शार्ट करूंगा तो हमारा कंप्रेसर बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो गाइस, इसको हम 220 वोल्टेज देंगे। गाइस, इसको मैंने 220 वोल्टेज दे दिए हैं। मैं इसका बटन ऑन करके ये देखें, हमारा जो कंप्रेसर था वो बड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका सिर्फ यही तरीकाकार है। आप इसको बार बार आप चेक कर सकते हैं। कोई भी कंप्रेसर आपको फ्रिज में लगाने से पहले आप उसे चेक कर लें, डायरेक्ट स्टार्ट देकर इसके आगे हाथ रख के, कि ये प्रेशर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बना रहा है। तो क्या, इसको बंद करके दोबारा फिर स्टार्ट देता हूँ। इसको मैंने ऑफ़ किया है, मैं दोबारा स्टार्ट देकर चेक करता हूँ कि ये स्टार्ट होता है। तो क्या, ये फिर स्टार्ट हो चुका है। आप देखें, ये कंप्रेसर बिल्कुल बेहतरीन है। मैं इसको मीडियम साइज के फ्रिज में लगा सकता हूँ। तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि इसका कॉमन ऊपर, हमेशा आप देखना है चार्जिंग लाइन वाली, जहाँ पे हमने गैस चार्ज करते हैं उस वाल की तरफ जिसका पॉइंट होगा उसका रनिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग इसके ओल्ड साइड में। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।